जी ओ जी, नाश्ता तैयार है, खा लो। आज नाश्ते में दलिया बनाया है का? काहे? अच्छा, तो उदास होके काय बोल रही हो? जम के बोलो, ए जी नाश्ता तैयार है, खाए लो। आज हमारा मन अच्छा नहीं है। का हुआ? अपनी अम्मा का कोई भयंकर सपना देख लिया है का? हमसे मजाक नहीं करो, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अरे इंदुमती, इंदुमती ये आंसू का है? पुष्पा मतलब इंदुमती, आई हेट यू। हटू जी। अरे अरे क्या हुआ? कल जन्माष्टमी है। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है? पहली बार ऐसा होगा कि जन्माष्टमी के दिन में तुको हमारे साथ नहीं होगा, वरना हर साल उसी को तो किसना बनाते हैं। इस साल किसका बनाएंगे, तुमका? इंदुमती, चिकू अपनी नानी के यहाँ गया है और स्कूल में छुट्टियां भी नहीं है कि हम उका ले आए। रहने दो ना, वैसे भी तुमका क्या फर्क पड़ता है। इंदुमती, अरे त्योहार है कल, मुस्कुरा के मनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, पकवान बनाओ, मक्खन निकालो। हो सकता तुम्हारा माखन चोर मक्खन खाने ही आ जाए। जी अम्मा, ऐसे। अब जाओ, जाके हमारे नाश्ता लगाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। अभी लाते। गुड्डू, ये सुत्तीलाल ऋतिक रोशन का है बना बे? अरे भैया, सिर्फ सुत्तीलाल नहीं, यहाँ तो समूचा गांव ऋतिक रोशन बना हुआ है, सिर्फ हम दोनों को छोड़कर। लेकिन चक्कर क्या है गुरु? अरे हाँ भैया, भूल गए, कल जन्माष्टमी है ना। अबे गुड्डू, अबे हम अपने कन्हैया जी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं यार? अब इस तरह तुम्हारी वजह से हुआ है। अबे तुम्हारी जिम्मेदारी जो है ना, इतनी ज्यादा पड़ गई वहां पर कि हम चीजें भूलने लगे हैं। गुड्डू यार, भैया ये सब छोड़िए, सोचिए कल कृष्ण भगवान का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे है, सोचना क्या है, सेलिब्रेट करेंगे। चलो वैसे भैया, आप भी थोड़े थोड़े कन्हैया जैसे हो। रियली? और क्या, वो रंग से काले थे, ये मन से काले होंगे। अबे चुप रहो, समझे? ऐसा है, कृष्ण भगवान मटकी फोड़ते थे, हम भी फोड़ते हैं। और फिर कछुआ चाचा से कमीशन लेते हैं। अबे नहीं यार सुत्तीलाल, पापा कसम कृष्ण भगवान हमारा आइडियल है। और गोपियों के पीछे भागना तुम्हारी आइडियोलॉजी। क्या मतलब आपका? अबे ओ कलयुग के स्वयं घोषित कृष्ण,
कृष्ण भगवान को अपना आदर्श मानते हो लेकिन उनका जन्मदिन मनाना याद नहीं रखते। अरे पापा कदम कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतने सारे भगवान है सबका जन्मदिन कैसे याद रख सकते हैं। भाई और कोई मनाए ना मनाए, हम कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, पापा कदम हम भी जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हर साल चंदा लेते हैं, झांकी सजाते हैं, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया मनाते हैं ना, लेकिन भैया पिछली बार सुत्ती लाल और चौरसिया ने चंदा नहीं दिया था। यार चौरसिया पापा कसम छिछोर पंथी की हद होती है, तुम भी सुत्ती लाल टाइप हो गए गुरु। जी भैया हम क्यों सुत्ती लाल टाइप होंगे, इस बार हम चंदा जरूर देंगे और देंगे क्या बल्कि ये लो। सुत्ती लाल टर्न ऑफ ऑफ हो चुके, पुत्ती लाल जरा इधर आओगे, आओ आओ डबल चंदा निकालो। अब ऐसा क्या पिछले चलिए मुकंदे भैया चंदा बटोरते। अरे नहीं नहीं हम काम से जा रहे हैं, तुम लोग चंदा इकट्ठा करो। लो ये जो हमको काम पे लगा के खुद काम पे जा रहे हैंगे, वो भी नया कुर्ता पैजामा पहन के। जीजा जी आज दफ्तर से छुट्टी ले लो ना। अरे दफ्तर नहीं जा रहे हैं, हम चुकुंदी को लेने जा रहे हैं, अपनी नानी के यहाँ गया है ना, तो हम इंदुमती को सरप्राइज देना चाहते हैं। अच्छा हम अभी इंदुमती को बता देते हैंगे कि आप उनको सरप्राइज देने वाले हैंगे। वो सरप्राइज है, कोई प्राइज नहीं है। चलो भैया हम जरा दफ्तर जा रहे हैं किस काम से, फिर शाम को आते हैं, तुम लोग झांकी की तैयारी करो ठीक है। आपा कसम आप चौड़न जाइए हम सब संभाल लेंगे। तो पहले इन साले जी को संभालो यार, बहुत चिपक रहे हैं। इधर आओ चिपकली, चलो चलते हैं। यहाँ बैठो बैठो यहाँ बैठो। ऐसा है तुम लोग चंदा इकट्ठा करो, हम मौसी घर जाते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए। ओके आइए आओ आइए। लो देखो लगा गए हमको काम पे और खुद निकल गए अपने काम पे। पर मौसी घर पर नहीं हैंगी, वो इंदुमती के यहाँ मक्खन निकाल रही हैंगी। ऐ सुरली आराम से बेटा छलके ना। लो हम कर लेते मायो ई मुआ याया छुक 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 चोया। श्री कृष्ण भगवान का मक्खन है, चलके का तो भी छोड़ेगा नहीं। मायो मायो ई मुआ मुआ क्या ई ई फटाक। कितना भी ऊंचा लटकाओ मटकी तो फोड़ के रहेगा। मटकी तो पिताजी फोड़ते थे, दीदी थोड़ा सा मक्खन दो लगाना है। किसको मक्खन लगाना है? अरे कब से डबल रोटी लेके घूम रहे हैं, सोच रहे हैं मक्खन लगाएं और फिर खाएं। क्या कर रहा है? चलो माँ ई ये या माँ समझ गए? नहीं ये कृष्ण भगवान जी के लिए मक्खन है, नजर मत लगाना बाबू यहाँ से। अरे नजर नहीं लगाना है मक्खन लगाना है। माँ ई माँ ई या समझे? नहीं पहले भोग लगेगा कन्हैया जी को, फिर सबको मिलेगा मक्खन। अरे तब तक हम डबल रोटी पे क्या लगाएं? घर में चटनी है जो। अरे वो तो हम कब की चट कर रहे हैं। वैसे ही खाना, कुछ बनाया नहीं है, जब बनाएंगे तब खाओ। तो ठीक है हम कृष्ण भगवान की भिन्न भिन्न झांकियों में जाके और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद खाते हैं। कैसे खाओगे, जन्माष्टमी कल है, प्रसाद तो कल मिलेगा। तब तक तुम झांकियों के दर्शन करके आओ जा। दर्शन तो पिताजी किया करते थे। आहा, तो तुम क्या करोगे? हम झांकेंगे। आहा, देखा जब देखो तब खाने की सोचती है। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे काम है बेटा। आए मौसी। हाँ भैया। क्या है? ऐसे नहीं थोड़ा जोर से भौंको। अबे और कितनी जोर से भौंके। अबे सुरीली छोड़ो, आज तो मामा और मौसी भी नहीं चल रहे बे, ऐसा लगता है दोनों भांग काक हो गए। भांग तो पिताजी खाते थे। अबे हम आगे से भौंक रहे थे, तुम पीछे से कैसे आए? अरे तुम किसी भी दिशा में भौंको, लेकिन आज सुरीली निकलेगी ही नहीं क्योंकि वो घर में है ही नहीं। सुरीली घर में नहीं है, कहाँ गई है? अरे हम क्यों बताएं कि वो मुकुंदी के घर पे गई है, हम तुम्हें बताएंगे ही नहीं। अबे गुड्डू पापा कसम मामा का दिमाग खुली डबल रोटी खा के कितना खुलसा गया है बे। अबे हमको बताया ही नहीं कि सुरीली मुकुंदी भैया के पास गई है। अरे भैया बता तो गए,
कि मुकुंदी भैया क्या है क्या? अबे यार गुड्डू, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। तुम्हारी जिम्मेदारियां जो इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारा ब्रेन काम नहीं करता है अब यार। हमको लगता है आपको भी खुली डबल रोटी खाने की जरूरत है। अबे तुमको यही खोल देंगे समझे, ज्यादा ना बोलो, देंगे। चलो आगे। इंदु, हाँ ये लड़कियों का आए, आ जाओ, है भूल गई क्या आना है? प्रसाद की तैयारी करनी है, आ जाओ बैठ जाओ। इंदु आ रही मौसी। हेलो सुरीली, तुमने सलवार सूट इस्त्री करके रखे हैं? अरे रहने दो, लग जाएगा। मायो चन। हाँ हुआ मौसी, इका पेट में चूहे दौड़ रहे का? अरे नहीं नहीं, वो जो का कहते हैं उसे, वो जो सलवार सूट जो है उसके का कहते हैं, वो उसके रंग से जमने वाली चूड़ियाँ, माचिंग। हाँ हाँ, माचिंग चूड़ियाँ नहीं है। अरे तो घबरा कह रही है, कल जन्माष्टमी है ना, आज चूड़ी वाले को बुलाए हैं, आएगा वो चूड़ियाँ पहनाने। चन 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 चन। ए गुणवंती, चूड़ी वाला आया कहाँ, दिखा कर रस्ता। नहीं देखा। आएगा आएगा, होगा रास्ते में होगा, आएगा सुरीली। हाँ, तो ये लोग चूड़ी वाले का इंतजार कर रहे हैं बे। भैया अगर आपके रहते चूड़ी वाला सुरीली भाभी को चूड़ी पहनाया तो हमको बहुत बुरा लगेगा। अबे तुमसे ज्यादा बुरा हमको लगेगा, समझे कि नहीं? कुछ भी बोलते हो यार गुड्डू, पापा कसम कुछ भी हो जाए सुरीली को तो चूड़ी हम ही पहनाएंगे। कैसे भैया, आपके पास तो चूड़ी भी नहीं है। अबे चुप रहो। मौसी देख रही है? अबे गुड्डू कैसे लग रहे? भैया बिल्कुल अपने पापा लग रहे हो। अबे कंटाप मारेंगे, हमारे पूछने का मतलब यह है कि पहचान में आ रहे हैं? नहीं पहचान में तो आ रहे हो भैया। अच्छा आप बताओ कैसे लग रहे? भैया अपने पापा का दांत ले आए क्या? अबे ज्यादा बोलोगे तो फोड़ देंगे। आप बताओ पहचान में तो नहीं आ रहे ना? भैया पहचान में तो आ रहे हो, ऐसे अगर सुरीली भाभी को चूड़ी पहनाने गए तो कहीं मौसी आपको ना चूड़ी पहना दे। अच्छा, अब तो एक ही सहारा है गुरु, हम अपना मुंह काला करेंगे। क्या हो गया भैया, क्या कह रहे हो आप? लोग दूसरे का मुंह काला करते हैं, आप अपना मुंह खुद काला करोगे? अब हम थप्पड़ मारेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि काला कलर लेके आओ, अपना मुंह कलर करेंगे, जल्दी से लेके आओ नहीं तो तुम्हारा मुंह काला कर देंगे हम। भैया हम तो पहले से काले। अबे हटो, बातें हैं बस, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले सुरीले। अरे सुरीले, अरे बेटा, अरे चूड़ी वाले, चूड़ी, अरे चूड़ी वाला आ गया, अरे मत पकड़ो, आओ जल्दी से जाओ सुरीले, माचिंग माचिंग चूड़ी ले लेंगे। भैया इधर आ जाओ, हां हटिया बिछा दे सुरीले, आओ चाचा आओ। अरे अरे तुमने बुलाया, अरे हम चले आए। ए चाचा, बुढ़ापा में जरा को आराम देना, लापता गंज मानना है आए हो का? अरे आज खास दिन है आंटे, थप्पड़ मारेंगे। दरअसल हमारा बेटा जो है वो आता था, आज हम आ गए। आ बेटा तुमको चूड़ियाँ पहनाते हैं, आ जाओ, कौन सी वाली अच्छी है? अरे बिजी पांडे, कहाँ है बिजी? देखो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, लड्डू खाने आया था का? पहना दो चूड़ियाँ। हाँ हाँ चाचा, अरे को हटो, ऐसे नहीं हटो, हमें पहले पहना दो भाई, हम कब से बैठे हैं, काम भी पड़े हैं, चलो पहनाओ। अरे शक्ल देखी अपनी, अरे नामकूल तुम्हारी जवान लड़की है, उसको छोड़ के तुम खुद चूड़ियाँ पहनना चाहती हो? इधर आ बच्चे, आजा 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 आजा। ए मौसी, हाथ ना ही पकड़ेगा तो चूड़ियाँ कैसे पहनाएगा? हाँ तो करो, मौसी देखो चूड़ियाँ कैसे पहनाता है। चाचा पहनाओ चूड़ियाँ। हाथ देख के लगता है 17 साल की उम्र है बेटा, 17 बहुत खतरा है, 18 की हो जाओ जल्दी से। ये वाली आ जाओ। हाँ
ना देखे पापा का समय तो हमारा है। पिछली ओहो छोड़ेंगे नहीं। रुपया मत के आया है तू डंडा ले दिला रहा है अच्छी सजी है, हैं? एंदू, तू रो कह रहे है? एंदू, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, आज शक्ल दही बड़े जैसे बनाई है, कहे? मौसी, हाँ बेटा, हम अपने कान्हा के लिए देखो ना दूध दही सब तैयार करके बैठे, हाँ हाँ, लेकिन हमारा कान्हा ही हमारे पास नहीं है, तो शक्ल तो दही बड़े जैसी बन जाएगी ना? कान्हा मतलब चुकुंदी? हाँ उन्होंने यहाँ से आया नहीं है का? अरे कोई लाएगा तो आएगा ना, मौसी अकेले कैसे आएगा? हमको चुकू की बहुत याद आ रही है मौसी, बहुत याद आ रही है। और उन्होंने नहीं बेटा, अच्छा पहली बार हुआ है जन्माष्टमी के दिन में हमारा कान्हा हमारे पास नहीं है। और उन्होंने बेटा सही कह रही है, अब जन्माष्टमी के दिन अपना बाल गोपाल चुकुंदी यहाँ नहीं रहेगा तो लापता गज में जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? रोना नहीं बेटा, हम मुकुंदी को कहते हैं जा चुकू को लेके आओ चलो। कौन जरूरत नहीं है, इनको बहुत बार बोले माने ही नहीं। हाँ बोलते हैं, तुम हमसे बात नहीं करो। अरे ए, इंदु अम्मा सिंधुमती कहाँ हुआ? चुकू आया है कल। चुकू? चुकू तो अपनी नानी के यहाँ है। नहीं नहीं वो यही है, हम उसको देखे यही कहीं छुपा है। है चुकू? सिंधुमती ये तुम्हारे मन का भ्रम है। नहीं वो आया है। अम्मा